तो देखिए, ट्रेपेजोइडल एरिया मेथड जो है, ये ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला है, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एक तरीके का मेथड ही है हमारा रोड एस्टीमेट कैलकुलेट करने का। दोस्तों, दो मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तभी आपको ये मेथड समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, एल अपॉन सिक्स ए वन प्लस ए टू प्लस फोर ए एम। दोस्तों, इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, सीधे सीधे बता रहा हूँ। बस इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इसमें ही आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, उसमें आपको ए वन ए टू निकालना आएगा, ए वन ए टू और ए एम कितना होता है। तो ए वन मैंने उस वीडियो में बताया था आपका क्या होता है, बी डी प्लस एस डी वन का स्क्वायर, और ए टू अगर हम निकाल लें तो वो बी डी प्लस एस डी टू का स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ए एम क्या होता है, मीन होता है, वो होता है बी इंटू डी वन प्लस डी टू बाई टू प्लस एस डी वन प्लस डी टू अपॉन टू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, फिर ये आपको ही समझ में आएगा। तो इसकी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी एल अपॉन सिक्स, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना आपको, बी डी प्लस एस डी वन का स्क्वायर, बी डी टू, बी डी सॉरी प्लस एस डी टू का स्क्वायर प्लस फोर ए एम। तो फोर ए एम है तो बी लगाइए, डी वन प्लस डी टू अपॉन टू प्लस एस डी वन प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर। जब आप इसको फोर सोल्व करेंगे आगे, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे क्या आएगा, एल अपॉन सिक्स बी डी वन प्लस बी डी टू प्लस फोर बी डी वन बाई टू प्लस फोर बी डी टू बाई टू प्लस, इसमें कुछ नहीं करा हमने, जो फोर था उसकी मल्टीप्लाई अंदर करी और फिर एक साइड में ले लिए वन वन वाले और टू टू वाले, इसमें और कुछ। तो एस डी वन का स्क्वायर प्लस एस डी टू का स्क्वायर प्लस फोर एस डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर टू डी वन डी टू बाई फोर। ठीक है, फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं आगे, तो एल अपॉन सिक्स थ्री बी डी वन प्लस थ्री बी डी टू प्लस टू एस डी वन का स्क्वायर प्लस टू एस डी टू का स्क्वायर प्लस टू एस डी वन डी टू। ठीक है, आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे दोस्तों, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। डायरेक्ट क्वांटिटी इसको आप जब आगे सोल्व करते जाएंगे तो ये आ जाएगा बी डी वन प्लस डी टू बाई टू प्लस एस डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर प्लस डी वन डी टू बाई थ्री इंटू एल। दोस्तों, मेथड थोड़ा टिपिकल है, इस वजह से ये हम पेपर में जनरली इस मेथड को नहीं लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फिर इसकी जो टेबल बनती है, टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे बनती है। आप देखिए, इसकी जो टेबल है उसमें ये कॉलम बनते हैं, पहला कॉलम बनता है चेनेज का, दूसरा बनता है जो आपकी डेप्थ है या आपकी बैंक की जो हाइट है उसका कॉलम, तीसरा बनता है डी वन प्लस डी टू बाई टी टू, चौथा बनता है सेक्शनल एरिया जो होता है आपका, इसे निकालने के बाद बी से आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन विड्थ, उसके बाद डी वन का स्क्वायर डी टू का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं करना, फिर डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर प्लस डी वन डी टू बाई टू। फिर ये तो हमने सेक्शनल एरिया निकाला था मिड वाले पोर्शन का, जो मिड में था, अब इसके साइड, इस साइड और इस साइड वाले इसका साइड्स का सेक्शनल एरिया, फिर इसका और इस वाले का, इन दोनों का हमने जोड़ दिया, टोटल निकाला। फिर जो लेंथ हमें दी होगी तीस तीस मीटर पे, जो हमारा वो होगा तीस तीस मीटर में खूंटी गाड़ी होंगी पैक गाड़ी होंगी वो, उसके बाद क्वांटिटी लिखते हैं फिलिंग में या कटिंग में। अगर आपकी आती है वैल्यू पॉजिटिव तो आप लिखेंगे फिलिंग में, और वैल्यू आती है नेगेटिव तो आप लिखेंगे वैल्यू कमेंट कटिंग में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।